तो गाइस यार शायद आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने 4 महीने पहले अपलोड करी थी एंड अभी के टाइम पर इस वीडियो के ऊपर 1,60,000 प्लस व्यूज है। तो इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको कौन से सर्वाइवल गेम्स ज्यादा पसंद है, जॉम्बी वाले या फिर क्राफ्टिंग वाले। आप लोग मानोगे नहीं लेकिन इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में 90% लोगों ने ये कहा है कि उन्हें क्राफ्टिंग गेम्स ज्यादा पसंद है। इसलिए मैंने अपनी खुफिया रिसर्च 2 दिन पहले स्टार्ट करी एंड आज मेरे पास में आप लोगों के लिए 5 ऐसे बढ़िया सर्वाइवल गेम्स है जिनको खेलने के बाद में आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो इस सीरीज के अंदर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ये दोनों ही गेम्स होंगे। कुछ गेम्स आपके लो एंड डिवाइस के लिए होंगे तो कुछ गेम्स आपके हाई एंड डिवाइस के लिए होंगे। इस सीरीज के अंदर मैंने काफी अच्छे अच्छे गेम्स को ऐड करा है तो इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर दो एंड हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक काफी इजी क्वेश्चन। तो गाइस यार क्वेश्चन ये है कि मान के चलो हमारे पास में 2 कैरेक्टर है, पहले इंसान के पास में काफी सारा पानी है लेकिन उसके पास में खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरे इंसान के पास में काफी सारा खाना है बट उसके पास में पीने के लिए पानी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे में कौन सा इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा, वाटर वाला या फिर फूड वाला। आंसर आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना होगा तो अभी जाओ कमेंट करो एंड हम लोग अपनी वीडियो में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर 1 गेम की। तो गाइस पहले गेम का नाम है माइक्रो हंटर जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 1 GB। ये वाला गेम 2023 में लॉन्च हुआ है एंड ये एक काफी यूनिक कॉन्सेप्ट वाला सर्वाइवल गेम है। तो गाइस यार होता यह है कि लेबोरेटरी के अंदर एक्सीडेंटली आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के चलते आपका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग में कभी ये थॉट आया था कि आप लोग डोरेमोन की स्मॉल हेड का इस्तेमाल करो तो फिर आप लोग को ये वाला गेम ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप छोटे हो जाओ तो आपको काफी ज्यादा मजे आएंगे क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपको रियल लाइफ के छोटे छोटे इंसेक्ट भी काफी बड़े लगने लगेंगे जैसे कि आंट और स्पाइडर। छोटे होने के बाद में आपके सामने क्या क्या मुसीबतें आएगी वो आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेगा। इस गेम के अंदर आप लोग को नॉर्मल साइज का ओपन वर्ल्ड एरिया एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्राफ्टिंग और बिल्डिंग कर सकते हो एंड इस गेम के अंदर मल्टीप्लेयर का फीचर भी अवेलेबल है। ये वाला गेम आपके लिए हाईली रिकमेंड होगा। मैं आपको प्ले स्टोर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा एंड अगर वहां से गेम डाउनलोड नहीं होता तो फिर आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा सर्वाइवल सीरीज का गेम नंबर 2। तो गाइस हमारी सीरीज का सेकंड गेम है राफ्ट आइलैंड फॉरेस्ट सर्वाइवल। ये वाला गेम टोटली ऑफलाइन है, डाउनलोडिंग साइज होगा 61 MB। तो इस गेम के अंदर की स्टोरी स्टार्ट होती है एक हेलीकॉप्टर से जो कि इस आइलैंड के ऊपर आकर क्रैश हो जाता है। तो अब आपका मेन गोल है इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और इस जगह से एस्केप करना। यहाँ से एस्केप करने के लिए आपको एक बोट बनानी पड़ेगी जो कि आप लोग क्राफ्टिंग वगैरह करके बना लोगे। मेन प्रॉब्लम है इस आइलैंड के ऊपर पूरी रात गुजारना क्योंकि रात में आपके चारों तरफ काफी सारे क्रिएचर्स घूमते हैं जिन्हें कि आप लोग को मारना होगा। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग को डिसेंट लेवल की देखने को मिलेगी और एक और बात की गेम के अंदर वेपन भी होंगे। ये वाला गेम मैं आप लोग को लो एंड डिवाइस के लिए रिकमेंड करता हूँ। लो एंड डिवाइस के लिए ये वाला गेम काफी अच्छा होगा एंड गेम आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर इजीली मिल जाएगा। वहां पर इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है एंड इस गेम को 4.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 में से। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 3। तो गाइस थर्ड गेम का नाम है प्रोजेक्ट ईवो। ये वाला गेम भी ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 2 GB। ये वाला गेम 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसे कि अनरियल इंजन 5 के ऊपर बनाया गया है। आप लोग चाहो तो इस वाले गेम को मल्टीप्लेयर भी इंजॉय कर सकते हो। इस गेम के अंदर आप लोग को पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड देखने को मिलेगा यानी कि ऐसी दुनिया जिसका सर्वनाश हो चुका है। यहाँ पर आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स एंड काफी अच्छे विजुअल्स देखने को मिलेंगे। इस गेम के अंदर आप लोग क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अलावा फार्मिंग भी कर सकते हो। ये गेम खेलने के लिए मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनके पास में एक हाई एंड डिवाइस है यानी कि 6 GB या फिर 8 GB रैम का मोबाइल। यहाँ पर आपको मैसिव ओपन वर्ल्ड एरिया एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा वो भी नेवर एंडिंग चैलेंजेस के साथ में। एंड एक और बात कि यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में वॉइस चैट का फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 4। तो गाइस हमारी सीरीज का 4th गेम है मिनी वर्ल्ड। ये वाला गेम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड के अंदर चलेगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 216 MB। ये वाला गेम 2017 में लॉन्च हुआ है एंड ये एक एडवेंचर सैंडबॉक्स सर्वाइवल गेम है। ये वाला गेम माइनक्राफ्ट गेम का एक काफी अच्छा अल्टरनेटिव है जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर फ्री टू प्ले मिल जाएगा। अगर आप इस गेम को सिंगल प्लेयर खेलते हो तो ये गेम ऑफलाइन है एंड अगर आप लोग इस वाले गेम को मल्टीप्लेयर खेलते हो तो फिर ये वाला गेम आपके लिए ऑनलाइन होगा। यहाँ पर आपको काफी सारे कैरेक्टर एंड बहुत सारे पेट देखने को मिलेंगे और गेम के अंदर आपको 14 लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस गेम के अंदर आपको सर्वाइवल मोड, क्रिएटिव मोड एंड काफी सारे मिनी गेम्स भी देखने को मिलेंगे। इस वाले गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ी वाइब्रेंट है एज कम्पेयर टू माइनक्राफ्ट बट मुझे ये वाली ग्राफिक्स क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 10
करोड़ प्लस डाउनलोड है एंड इस गेम को 4.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 में से। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा अपनी सीरीज का गेम नंबर 5। तो कैसे हमारी सीरीज का 5th गेम है न्यू डॉन, जो कि एक ऑनलाइन गेम है। डाउनलोडिंग साइज होगा 1 GB। ये वाला गेम 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक एपिक एडवेंचर सर्वाइवल गेम है जिसके अंदर आपको काफी अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। ये एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है जहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट विलेजेस भी देखने को मिलेंगे। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट लोकेशन पर जाकर वहाँ से अपने लिए काम की चीजें क्राफ्ट करके लानी होगी और एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ कर अपने लिए एक शेल्टर बिल्ड करना होगा। इस गेम के अंदर डे एंड नाइट का साइकिल चलता है जो कि आपको एक रियलिस्टिक फील देगा। ये वाला गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के ऊपर ही अवेलेबल है एंड आप लोग जाकर इस वाले गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग का सर्वाइवल सीरीज के 5 के 5 गेम बता दिए हैं। तो गाइस अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को इन सब गेम्स की लिंक मिल जाएगी तो आप लोग जाकर गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसे अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।